और मेरा जो प्लान था ना वो सारा हो चुका है बकवास बेकार। मरा हुआ चूहा भी ना इस छल्ली से ज्यादा अच्छा लगता होगा। Welcome back to my channel. I'm Kujyoti Dhingra. I'm a producer of Food Channel Vlogs. If you like any of those things, consider subscribing. And आज का जो वीडियो होने वाला है, ये होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। इतनी भीषण गर्मी हो रही थी ना दिल्ली के अंदर, इतनी ज़्यादा लाइक 50-50 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा था, बट बारिश का कोई नामो निशान नहीं था। बट फाइनली कल पूरी रात बारिश हुई है और मैं सुबह उठी हूँ तो मेरा मूड इतना बढ़िया है कि मैं क्या बताऊँ। टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगाई। बट अभी मेरे को भूख लगाई क्योंकि आप पीछे देख रहे हो मेरे ट्राईपॉड लगा हुआ है। मैं इंस्टा का शूट कर रही हूँ और साथ के साथ ये वीडियो का शूट कर रही हूँ। मैंने बताया नहीं था वीडियो किस चीज़ का मैं बताने वाली हूँ, बेसिकली क्योंकि मानसून है एंड बारिश आ रही है, तो आज के दिन हम सिर्फ मानसून स्पेशल रेसिपीज़ या मानसून स्पेशल खाना करने वाले हैं ट्राई। और जो दिन की शुरुआत है वो मैं करने वाली हूँ विथ समथिंग वेरी लाइट एंड अमेजिंग। एंड बेसिकली हम लोग खाने वाले हैं या पीने वाले हैं, दोनों चीज़ें करने वाले हैं। इट इज़ अ मोमो सूप। तो अगर आपने टिबेटन खाना कभी खाया होगा ना, देर इज़ अ थिंग कॉल्ड मोतुक एंड इट्स लाइक अ मिक्सचर ऑफ मोमो एंड थुक्पा, एंड इसलिए उसको मोतुक कहते हैं। एंड मैं वही बनाने का प्रयास कर रही हूँ अपने घर पे। खुशबू तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आ रही है, अब देखते हैं कि उसका टेस्ट कैसा होता है। मुँह से पानी नहीं आ रहा है, अब देखते हैं कि उसका टेस्ट कैसा होता है। फटाफट चलो, मेरे को बहुत ही ज़्यादा तेज भूख लग रही है, लेट्स गो। सो मेरा मोमो सूप आ चुका है मेरे पास में, ऐसे मैं दिखा रही थी बट मैंने क्लोजअप शॉट्स लिए हैं तो आप देख सकते हो उसके अंदर खुशबू। इतनी माइंड ब्लोइंग है ना, इतनी माइंड ब्लोइंग। मेरे पड़ोसी बाहर निकल के आ गए थे अभी देखने के लिए मैं क्या बना रही हूँ। तो इसको करते हैं ट्राई और देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। आए हाय, एक मिनट, ओके। सो मैं अगर इस मोमो सूप की करूँ बात तो दिस इज़ माइंड ब्लोइंग, इसलिए नहीं क्योंकि मैंने बनाया है बट जेन्युइनली बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है। एकदम गर्मा गर्म सूप, इसमें मैंने चिकन स्टॉक का क्यूब डाला था, उससे इतना बढ़िया फ्लेवर एलिवेट हो गया है। उसके साथ मैंने इसमें थोड़ी सी शेजवान सॉस वगैरह भी डाली थी, तो बहुत एपिक स्टफ लग रहा है। बारिश के मौसम में दिस इज एब्सोल्युटली परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। सो दोपहर बज रहे हैं दो एंड इट इज़ टाइम टू हैव आवर लंच। जब मैं सुबह ब्रेकफास्ट कर रही थी मस्त बारिश हो रही थी, फिर धूप निकल आई, अब दोबारा से मौसम ऐसा खतरनाक हो गया लाइक एकदम काले काले बादल आ चुके हैं पूरे आसमान के अंदर। एंड आई थिंक बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होगी। आई रियली होप कि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होगी। पूरे इंडिया में इतनी बारिश हो रही है, हम दिल्ली वालों को बारिश ही नसीब नहीं हो रही। तो बस मैं बारिश कर रही हूँ वेट, और थोड़ी थोड़ी बूंदें बरसने लगी हैं एंड 4 बूंदें बरसती नहीं है एंड माई हार्ट बी लाइक एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग पूरे दिन डीप फ्राइड खाने से मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि देखो मानसून का मज़ा फुल पावर लेने वाले हैं, लेकिन आज हम डीप फ्राइड पकौड़े नहीं बनाएंगे बल्कि आज हम हेल्दी पैन फ्राइड पकौड़े बनाएंगे, और वो हम बनाएंगे यूजिंग पारस घी। तो फटाफट से चलते हैं, बनाते हैं हमारा ब्रेड पकौड़ा और फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे बनता है ब्रेड पकौड़ा विदाउट यूजिंग अ लॉट ऑफ ऑयल एंड लेट्स मेक इट हेल्दी। सो ये हेल्दी ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग बनाएंगे इसका स्टफिंग, एंड इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है बॉइल्ड एंड मैश पोटेटोज को। इसमें हम ऐड करेंगे कटे हुए प्याज, धनिया, हरी मिर्ची और सारे मसाले लाइक नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला, और इन सब चीज़ों को अच्छे से कर देंगे मिक्स। ना पकौड़े का बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है बेसन, और उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा कटा हुआ धनिया, नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च और पानी, और बिल्कुल उतना कंसिस्टेंसी वाला बैटर बनाना है जितना पकौड़े के लिए यूज़ होता है। अब हम लेंगे एक पैन और उसके अंदर ऐड करेंगे पारस घी, विच गिव्स अस ग्रोथ का बूस्टर डोज हर रोज। अगर आप नोटिस करोगे ना तो ये जो घी है इट इज कम्प्लीटली वाइट और एकदम दानेदार है, जैसे अच्छे क्वालिटी के घी को होना चाहिए। और जैसे ये घी मेल्ट हो जाता है ना, हम लोग अपना ब्रेड लेंगे, उसको डिप करेंगे बैटर के अंदर एंड देन उसको शैलो फ्राई करेंगे इन टू द घी।
तो बस इसको थोड़ा सा पकाने के बाद में ना जो आलू वाला मिक्सचर था हम उसको सैंडविच कर देंगे अपने ब्रेड पकौड़ा के बीच में, एंड दोनों साइड से थोड़ा बहुत और पकाने के बाद में आवर ब्रेड पकौड़ा विल बी कम्प्लीटली रेडी, एंड इसको आप सर्व करो एकदम सॉस और गर्मा गर्म चाय के साथ, मज़े आ जाएंगे। सो मौसम है आशिकारा और उसमें हमने बना लिए हैं एकदम ऑसम ब्लॉसम से ब्रेड पकौड़े जो कि सुपर डुपर हेल्दी है, एंड यूज़ करा है हमने इसमें पारस घी। तो मैं इसको करती हूँ ट्राई, आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। आप भी इसको डेफिनेटली घर में ट्राई कर सकते हो। ये वाला जो ब्रेड पकौड़ा ना, इट इज टेस्टी बट इट इज कम्प्लीटली गिल्ट फ्री। हमने इसमें थोड़ा सा घी यूज करा है विच एनी वेज इज वेरी वेरी हेल्दी एज कम्पेयर टू नॉर्मल ऑयल, एंड नॉट जस्ट दैट, अगर आप इसके अंदर थोड़ा प्रोटीन ऐड करना चाहते हो तो आप इसके अंदर एक्स्ट्रा पनीर या फिर चीज भी ऐड कर सकते हो, उससे तो इसका टेस्ट और लाजवाब हो जाएगा। और इसके साथ में पियो आप चाय, आय हाय। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि उसके अंदर देसी घी का इतना बढ़िया स्वाद आ रहा है, एंड दैट टू सुपर डुपर प्योर देसी घी। पारस घी वाले 60 ईयर्स से अपने देश के अंदर देसी घी बना रहे हैं, एंड नॉट जस्ट दैट दे एक्सपोर्ट टू 70 प्लस कंट्रीज। आप भी अपने मॉनसून स्नैक्स बना सकते हो पारस घी के अंदर, एंड दैट विल गिव यू ग्रोथ का बूस्टर डोज हर रोज। परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, डू चेक इट आउट। मैं इसको खाती हूँ एंड आई विल सी यू लेटर। सो हेलो, अभी हो रही है शाम, और शाम का मेरा जो प्लान था ना वो तो था कि मैं बाहर जाऊंगी, मस्त मैगी खाऊंगी, भुट्टा खाऊंगी। लोग पहाड़ों में जा जाके मैगी भुट्टे खा रहे हैं, मेरे को दिल्ली में ही नसीब नहीं हो रहा है। यहाँ पे अभी तक इतनी तेज़ बारिश आ रही है, एंड इट डजंट सीम टू स्टॉप। मतलब मैं घर से बाहर निकल ही नहीं सकती इतने कीचड़ में और इतने ट्रैफिक में, और मेरा जो प्लान था ना वो सारा हो चुका है बकवास बेकार। बट फिर मैंने सोचा कि यार घर में बैठ के बना लेते हैं, अगर बाहर नहीं जा सकते तो। मैं क्या कर रही हूँ कि मैं घर में मैगी बना रही हूँ और मैं घर में ही भुट्टा बना रही हूँ, एंड वो अब हम खाएंगे फॉर आवर मॉनसून स्पेशल स्नैक्स। हमें यहाँ गीली होती हूँ तो वो हम खाएंगे फॉर आवर मॉनसून स्पेशल स्नैक्स। तो मैं फटाफट उसको बनाती हूँ एंड देन सी यू लेटर। तो गाइस मेरा छल्ली खाने का प्लान था और छल्ली का हो चुका है देहांत। मैं दो तीन दिन पहले छल्ली लेके आई थी, मैंने गलती से उसको बाहर रख दिया, नाउ इट्स कम्प्लीटली डेड। मरा हुआ चूहा भी ना इस छल्ली से ज़्यादा अच्छा लगता होगा, पर खैर क्या ही कर सकते हैं। सो बारिश हो रही थी, मुझे लगा था कि बारिश होने की वजह से एकदम ठंडा ठंडा पूरा मौसम हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हो रहा भाई। अंदर इतना ह्यूमिड हो गया, इतना ह्यूमिड हो गया, खाना पकाते पकाते ऐसे मेरी आत्मा मेरी बॉडी से बाहर निकल के चली गई थी। बट फिर मैंने बहुत मुश्किल से उसको वापस बुलाया और दोबारा अपने शरीर में डाला और मैंने बना लिया मैगी एंड भुट्टा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बनाई है अपनी मैगी, मतलब अपनी मैगी इन द सेंस के मैगी के पैकेट्स में जो मैगी आती है वो मैंने बनाई है, और मैंने मैगी को मैगी की तरह बनाया है, लाइक बींग अ फूड ब्लॉगर। मैंने मैगी के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं किया, इसमें कोई फैंटा नहीं है, कोई ओरियो नहीं है, कोई खीर नहीं, कोई चॉकलेट नहीं, मैगी जस्ट लाइक मैगी। क्या ये फूड ब्लॉगर समाज मुझे एज अ फूड ब्लॉगर एक्सेप्ट कर पाएगा? नहीं। हमको क्या फर्क पड़ता है यार, हम तो मस्त इंजॉय करेंगे अपनी मैगी। मेरे को अपनी मैगी ना एकदम सूपी सूपी पसंद है। आपको कैसी मैगी पसंद है? डू यू लाइक इट ड्राई और डू यू लाइक इट सूपी? आई लव इट सूपी। नाउ लेट्स ईट इट एंड ड्रिंक इट टुगेदर। दिस इज जन्नत। इस मौसम में ना क्या मस्त मीठे भुट्टे आते हैं। और आपको भुट्टा भी कैसा पसंद है? डू यू लाइक इट वो रेत वाला या फिर डू यू लाइक इट वो गैस पे भुना हुआ? मेरे को तो दोनों ही पसंद है। मैं इसको खाती हूँ, आपको मिलूंगी डिनर टाइम। इट इज़ द डिनर टाइम और हालत मेरी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। मन में ना बिल्कुल भी नहीं कर रहा कि मैं कुछ खाना बनाऊँ, लेकिन तब भी हिम्मत करके आई एम गोइंग टू द किचन, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा भाई ऐसा लगता है पूरी एनर्जी ड्रेन हो चुकी है बॉडी के अंदर से। तो हम लोग बनाने वाले हैं वड़ा पाव, विच इज़ अ मानसून स्पेशलिटी। काश मैं मुंबई जा पाती और वड़ा पाव खा पाती, बट क्योंकि हम मुंबई नहीं जा रहे हैं तो फिलहाल हम घर में बैठ के ही वड़ा पाव खा रहे हैं। तो चलते हैं किचन के अंदर, बनाते हैं वड़ा पाव एंड देन वी विल ईट इट। So, यहाँ पे आ चुका है हमारा एकदम देसी सा पतीला। पतीले से ना एकदम से मेरे दिमाग में बहुत ही ज्यादा घटिया सा जोक आ गया है। So, पीजे अलर्ट, व्हाई डू दे कॉल इट पतीला एंड नॉट पतनीला? कुछ भी
कुछ भी यार, तो मेरे सड़े सड़े जोक सुन के मेरे को अनफॉलो मत करना अगर तुमको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं अगली बार से ये सब हरकतें नहीं करूंगी अपने वीडियो के अंदर। No, honestly, I wanted to make वड़ा पाव। बढ़ती गर्मी में सड़ सड़ के my brain has become जड़ा पाव। But now I'm back to making वड़ा पाव again। करने के बाद में फाइनली आर लंच इज रेडी। मैंने एक्चुअली गोल पैटी बनाया था, तो मैंने वड़ा पाव को जैसे ही प्रेस किया ना तो इसका सारा माल मसाला बाहर आ गया है, बट ओवरऑल मैंने भी अपने घर वालों को खिलाया था, उनको सबको अच्छा लगा। तो मैंने फॉलो की थी रेसिपी ऑफ संजोत कीर फ्रॉम योर फूड लैब। हिज रेसिपीज आर माइंड ब्लोइंग। मेरे को ना बहुत मजे आते हैं ऐसे हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हुए, चाहे वो फूड हिस्ट्री हो चाहे वो किसी भी तरह की हिस्ट्री हो। लाइक मेरे को रैंडम हिस्टोरिकल ज्ञान बहुत ज़्यादा है। सो मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी कि जो पाव थे ना, अभी पाव मुंबई में बहुत ज़्यादा फेमस है, बट 18th सेंचुरी तक पाव 19th सेंचुरी तक थे ही नहीं। मतलब 19th सेंचुरी तक इंडिया में पाव ही नहीं होते थे। पोर्टुगीज़ इंडिया में आए थे, उन्होंने बेकरी शुरू करी थी मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, एंड उनके थ्रू पाव बिकेम एक्सट्रीमली फेमस इन मुंबई। एंड देन धीरे धीरे करके इसको जो बटाटा वड़ा होता है इसको डाल के वड़ा पाव बेचना शुरू किया मुंबई के अंदर, विच बिकेम एक्सट्रीमली पॉपुलर। एंड क्योंकि मुंबई में ना टेक्सटाइल वर्कर्स बहुत ज़्यादा थे, तो वहाँ पर ना उनके बारे में टाइम नहीं होता था ज़्यादा कुछ ताम झाम करने का खाने के लिए, तो जो ईजिली मिल जाता ना स्ट्रीट पर सस्ता वो खाते थे। तो इट यूज़ टू बी वेरी चीप। अगर आप आज भी मुंबई जाओगे ना, 10 रुपये का 20 रुपये का आपको वड़ा पाव आराम से मिल जाएगा। तो इतने ज्ञानबाजी बताने के बाद में हम ट्राई करते हैं वड़ा पाव को। आई डोंट नो, ऐसे स्टोरी बताते बताते ना मेरे दिमाग में ऐसे 18th सेंचुरी पोर्टुगीज बेकरी और ये सब ऐसा घूमने लगे, सब विजुअलाइज कर पाती हूँ मैं, इसलिए मुझे हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको स्कूल में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता था पढ़ना? मैं तो हिस्ट्री पसंद थी और आज भी बहुत पसंद है। अब मैं इसको करती हूँ ट्राई। हाँ तेजो वड़ा पाव है ये, बहुत 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 टेस्टी है। स्पेशली ना इसमें एक सूखी चटनी डलती है जो कि उससे बनती है लहसुन से, एंड उससे तो इतना स्वाद टेस्ट आ रहा है, इतना स्वाद, मतलब चार चांद लग गए हैं मेरे को तो, बहुत अच्छा लग रहा है। और वड़ा पाव खाते खाते मेरे दिमाग में एक और बात आई है कि इन वड़ा पाव क्यों कहते हैं, छोटा पाव क्यों नहीं कहते? बंद करो हाथ जोड़ के। मैं I feel so dead right now, लेकिन वीडियो अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि आई वॉन्ट टू एंड दिस वीडियो ऑन अ स्वीट नोट। और अभी मैं आपको खिलाने वाली हूँ, ऐसे आप कैसे खाओगे, मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ वो चीज़ जो कि जिसके बिना मॉनसून एकदम मतलब अधूरा है। आई डोंट थिंक कि मैं मॉनसून इमेजिन भी कर सकती हूँ उसके बिना। कैन यू गेस व्हाट दैट थिंग इज? घेवर, एंड आई लव इट। और मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि कल मेरे घर पर रिलेटिव आए थे एंड दे गिव अस घेवर, एंड मैंने कहा यार मैं ये वीडियो में 100% इंक्लूड करूंगी। मैं तोड़ती हूँ उसको, रुको। सो लेट्स ईट दिस। आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा डब्बा दिखा के इतना सा बस मीठा खा लिया। आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ मीठा, बट क्योंकि मुझे घेवर पसंद है और क्योंकि ये मानसून वाली वीडियो के साथ में मैच कर रहा था वाइब इसका, मैंने कहा ट्राई कर लेते हैं। गुड जॉब। सो मैंने एक बार पता मास्टर शेफ में ये देखा था, उनको घेवर बनाने का चैलेंज मिला था, एंड देन द शेफ टोल्ड दैट घेवर बनाना इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि कच्चा भी रह जाता है, करारा भी नहीं हो पाता, लाइक बहुत कॉम्प्लिकेशन होती है। बट दिस वन इज
अल्टीमेट. सो दैट वाज इट फॉर द वीडियो फ्रॉम माय साइड. आई रियली होप आपको आज का वीडियो बहुत 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 ज्यादा पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है देन मेक श्योर दैट यू गिव दिस वीडियो अ बिग फैट थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. क्योंकि तुमने पूरी वीडियो देख लिया चुपचाप से सब्सक्राइब कर लो. दिस इज कंसोलिडेटिंग साइनिंग ऑफ टू कम अप विद मोर वीडियोस इन फ्यूचर. तब तक के लिए बाय बाय.